तो लास्ट क्लासेस में हमने फिनिश किया था कस्टम फॉर्मेटिंग, और आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद जो नया चैप्टर आता है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है। तो स्टार्ट करने से पहले मनोज जी, अगर आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है सर? हेलो, हाँ जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कोई डाउट है आपके पास? सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं कराई आपने मुझे अभी तक। कस्टम फॉर्मेटिंग से मैं कष्ट गलती बोल गया, आपने कराया था वो आ गया मुझे। ठीक है, चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना सर, एक वीडियो भेज देना क्योंकि वीडियो नहीं है मेरे पास, एक बार और देख लेता मैं आराम से। ठीक है, वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, आप यूट्यूब से कह लेते हैं क्योंकि मुझे शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक्चुअली व्हाट्सएप पे मेरे पास रिकॉर्डिंग वो रह जाती है ना। नहीं नहीं, यूट्यूब से डाउनलोड भी कर सकते हैं ना आप सर, यूट्यूब पे आपकी। ठीक है, तो चलिए यूट्यूब का कई वीडियो शेयर कर, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी आपकी वीडियो। ठीक है, आज से आपकी वीडियो ड्राइव में चल जाएगी जहां भी, इसलिए आप एक्सेस कर सकते हैं आपकी वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं आज की सेशन की तरफ। आज की सेशन अगर आप देखें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कस्टम फॉर्मेटिंग का जिससे अपग्रेड वर्जन हम कह सकते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में आपने नंबर के ऊपर फॉर्मेटिंग किया था, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है कि वो हर तरह की फॉर्मेटिंग करता है विद कंडीशनल फॉर्मेट। कंडीशनल मतलब कि कस्टम फॉर्मेटिंग का अपग्रेड वर्जन इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, कस्टम फॉर्मेटिंग का अपग्रेड करता है। जैसे मान लीजिए कि कस्टम फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड कलर नहीं करता है, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी बैकग्राउंड कलर करेगा। मतलब कि आपने कहीं पे कलर किया या किसी तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई की, किसी तरह की फॉर्मेटिंग, तो उसमें क्या है कि आपका ये क्या बोलते हैं सिस्टम, इस सेल पे जो नंबर है वो क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो कलर करेगा। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है सर, आपके आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, वो आवाज ब्रेक हो रही है। अब ठीक है सर? हेलो, हाँ जी सर, आवाज ठीक है सर? हाँ आप ठीक है सर, आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में से। चलिए अब आवाज तो ब्रेक नहीं हुई है सर। ठीक है, अब चलिए तो यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे डेट ऑकरिंग पे। डेट ऑकरिंग सिलेक्ट किया और यहां पे आपके सामने डेट है, स्टडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ वगैरह वगैरह। तो जो अगर मैंने यहां सिलेक्ट कर लिया टुडे, तो आज 27 तारीख हाईलाइट हो जाएगी, कल मैं वॉल्यूम फाइल खोलूंगा तो 28 तारीख, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा हमारे सिस्टम डेट से। ओके, उसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है डुप्लीकेट। तो अगर मान लीजिए किसी सिलेक्टेड रो एंड कॉलम में आपको लगता है कि डुप्लीकेट वैल्यू इसी है तो हाईलाइट कर दे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी डुप्लीकेट होगा
वो उसको हाईलाइट कर। लेकिन अगर आप टाइप करने जा रहे हो, मैं चाहता हूं कि मेरा ये मोबाइल नंबर है और मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में कोई भी पर्सन डुप्लीकेट हाईलाइट टाइप करे, तो मुझे पता चल जाए उसी समय की हाँ डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ ओके कर दूंगा। कलर वगैरह अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक मोबाइल नंबर लिखा एंटर मारा और मैं दूसरा मोबाइल नंबर इस कॉलम में कहीं भी रखूंगा तो यहाँ पे देखेंगे दोनों हाईलाइट हो जाए। अगर तीसरा लिख दिया तो तीनों हाईलाइट हो जाए। मतलब कि अगर जैसे ही एक से ज्यादा वैल्यू इंट्री हुई ऑटोमेटिकली जितनी भी वैल्यू इंट्री है सारे वैल्यू को हाईलाइट कर देगा आपका डुप्लीकेट। तो हमने इसमें सीखा ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा हुआ कैसे हाईलाइट करते हैं, लेस देन किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा है को कैसे हाईलाइट करते हैं, बिटवीन टू डेट के बीच में जो वैल्यू है उसको कैसे हाईलाइट करते हैं, और ये क्या आता है आपका इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू कैसे हाईलाइट करते हैं, और इसमें हम जो है डेट नंबर टेक्स्ट डेट एंड नंबर डाल सकते हैं बिटवीन लेस देन एंड टूडे इसमें ग्रेटर देन में, इक्वल टू में हम कुछ भी डाल सकते हैं एग्जैक्ट सेल वैल्यू होता है। टेक्स्ट का कंटेंट मैंने बताया कि कभी ऐसा हो कि भाई दिल्ली न्यू दिल्ली का चक्कर हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक में आधा नेम लिखा है दूसरे में पूरा नाम लिखा हुआ है तो आप दोनों का हाईलाइट करना चाहते हो तो टेक्स्ट दैट कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ डुप्लीकेट मैंने बताया आपको, तो ये आपको हाईलाइट सर्विस रूल्स समझ में आ गया। हाँ जी मोहित जी आपको समझ, मोहित जी नहीं आए जाए आ रहे जा रहे हैं उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगला चैप्टर टॉप बॉटम का। मान लीजिए मुझे इसमें से टॉप 10 को हाईलाइट करना है, टॉप 10 को हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे जैसे कि टॉप 10 कर दिया हमने तो जो टॉपर 10 है यहाँ से 10 के जगह पे 20 कर सकते हैं, देखिए यहाँ 14,100 हाईलाइट हो गया और यहाँ पे 25 हो गया, 60 हो गया, इस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो जो अब हाईलाइट मतलब नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख दूं, मैं कम डेटा में समझाऊंगा जल्दी समझ में आएगा, इसको सिलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे टॉप बॉटम को सिलेक्ट कर लिया, टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट कर लिया 2, तो जो हाईएस्ट 2 है देखिए यहाँ हाईलाइट हो गया। अगर मैंने 3 किया तो हाईएस्ट 3 हाईलाइट, अब देख रहे हैं कि 3 हो वाले कि 4 हाईलाइट हो गया, क्यों हुआ क्योंकि 63 दो बार रिपीटेड है, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। ठीक है सर, तो टॉप इस तरह से आपका बॉटम 10 है, तो अगर आप सब छोटा हाईलाइट करना चाहते हो तो छोटा कर सकते बॉटम कर, यहाँ पे जो नंबर डालेंगे उस हिसाब से हाईलाइट होगा। लेकिन एक बार आपके पास टॉप 10% है एंड बॉटम 10% है, देखा टॉप 10% है, टॉप 10% क्या होता है कि परसेंटाइल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है और फिर हाईलाइट करता है। अब परसेंटाइल का फॉर्मूला जब मैं समझाऊंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, इसको फिलहाल स्किप करते हैं। अबव एवरेज, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डेटा था, अब मुझे इसमें से ये पता करना है कि भाई किसका बोनस अच्छा मिला है, क्या तो अच्छा बेंचमार्क होगा कि हाँ भाई 25,000 से ज्यादा अच्छा बोनस कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे ग्रेटर देन 25,000 कर देंगे। लेकिन कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं है कि हाँ कहा जिसके बाद से अच्छा बोनस कहते हैं जिसके ऊपर से, तो हम क्या करते हैं एवरेज, एवरेज निकालते हैं
यहाँ पे देखते हैं कि सारे का एवरेज बोनस 9568 है, एवरेज से ऊपर है इसका मतलब गुड है। आपने सुना होगा कि भाई बिलो एवरेज है, मतलब कि माने कि ये है खराब है, तो एवरेज से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आप टॉप बॉटम में जाएंगे। अगर आपने अबव एवरेज सेलेक्ट कर लिया तो ये पूरे डेटा का ऑटोमेटिकली एवरेज निकालेगा और उसका एवरेज यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। कैसे सर, कैसे निकालेगा ये? इसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया ना, 96 9 5 6 8 दिख रहा होगा यहाँ पे सर, 990 को हाईलाइट कर रहा है ना ये, तो अबव एवरेज। अबव एवरेज का मतलब होता है इससे बड़ा, तो 9900 इससे बड़ा ही है ना, तो हाईलाइट करेगा। समझे सर? बोनस मैं समझ गया, जो एवरेज है, एवरेज तो निकालेगा ना, एवरेज किस चीज की निकाली इसने? पूरे के जो सिलेक्टेड है उसी का एवरेज निकाला ना, मैं आपको अलग समझा पूरे एवरेज निकाली। हाँ एक मैं समझा दूँ, सुनिए। अब आपको जो है डेली पॉकेट मनी मिल रहा है, समझ गए? लेकिन डेली पॉकेट मनी कितना मिलता है उतना पता नहीं, आपको कुछ भी मिल सकता है, 25-25 मिल गया, पापा के पास जितने पैसे रहे उतने पैसे दे दिए हिसाब से, किसी दिन 30 दे दिया, किसी दिन 50 दे दिया, किसी दिन 100 दे दिया, किसी दिन 45 दे दिया। तो आपको महीने में टोटल पैसा कितना मिल, मान लीजिए कि आपको दिया गया पॉकेट मनी कितना दिन दिया गया, 12 दिन, ठीक है ना। तो 12 दिन में टोटल दिया गया 34, तो पर डे कितना हुआ, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 12 से, 52 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको मिला एवरेज हिसाब से। तो okay. मतलब ये हुआ कि ये 52 रुपीज का मतलब यानी कि 52 रुपीज फिक्स हो गए, ये एवरेज है, मतलब कि आपको डेली मिला तो कम बेसी मिलता गया, लेकिन महीने के हिसाब से जोड़ा जाए तो 52 रुपीज पर डे आपका पॉकेट मनी है, ठीक है। ठीक है, अब पापा ने बोला कि तुम बोले कि भाई तुम किस किस दिन ज्यादा खर्चा किए बताओ, ज्यादा खर्चा मतलब कि एवरेज से ज्यादा, मतलब 52 रुपीज से ज्यादा आपको कब कब मिला है, दैट कॉल ज्यादा खर्चा किया आपने। ओके समझ गए, तो मतलब जो एवरेज से ज्यादा खर्चा किया वो हमारा अलग हो गया। हाँ, तो उस केस में अगर मान लीजिए कि अगर आप मेरे इस फीचर का इस्तेमाल ना करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 52 रुपीज, ठीक है। समझ गया मैं, लेकिन 52 रुपीज आपने ग्रेटर देन कर दिया तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपने मैनुअली 52 लिखा ना, अब कल के रेट में डेटा बढ़ेगा घटेगा तो एवरेज ही बढ़ेगा घटेगा। तो आपको तो बार बार एवरेज निकाल के ग्रेटर देन में डालना पड़ जाएगा। तो जो 52 रुपीज का एवरेज निकलता है अगर आपने यहाँ पे अबव एवरेज को सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो 52 रुपीज कैलकुलेट कर लेगा। ओके समझ गया सर, समझ गए? हाँ जी हाँ जी। और उससे हाईलाइट, उससे ग्रेटर देन को दे देगा और उससे हाईलाइट कर देगा, और ऐसे ही हमारे पास बिलो एवरेज है मतलब 52 रुपीज से कम, तो सर कम लेस देन को 52 रुपीज दे देगा वो, ठीक है। ये टॉप बॉटम में समझ में आ गया आपको? हाँ जी। इसमें हम आता है डेटा बार। अब क्या होता है कि आपको देखना है कि किस दिन ज्यादा है किस दिन कम सेल है, तो चार्ट आप लोग बना लेते हैं क्या सर? हाँ जी। उसको सेलेक्ट करेंगे, आपको विजुअल मतलब विजुलाइजेशन देनी है, विजुअल करनी है आपको, तो आप सेलेक्ट करके चार्ट बना लेते हैं इस तरह से, आपको पता चलता है कि हाँ यार इस दिन बहुत बड़ा है 11वें दिन में, इसमें कम है, इसमें दिख रहता है। लेकिन चार्ट तो छोटे डेटा में बनता है ना, अगर आपके पास 10 लाख का डेटा है, 3400 का डेटा है, इस पे तो चार्ट बनना मुश्किल है ना सर। तो यहाँ पे डेटा बार लगा देंगे सर। हाँ यहाँ पे डेटा बार लगा देंगे। डेटा बार से क्या होगा कि आपको विजुअल हो जाएगा कि हाँ ये टॉपर या मैंने लोअर है या टॉपर है या मिडल है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका ए, आपका मिडल, ये मिडल से भी कम है, ये आपका मिडल है, ये आपका लोअर है, ये मिडल है, ये आपका टॉपर से थोड़ा कम है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करते हैं, तो जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, अगर मैं इसको अलग लगा के दिखाऊं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
तो ये देखिए आप समझ गया सर। उसी तरह से आपका कलर स्केल है, तो डेटा बार तो वार ना देता है ना, कलर स्केल कलर दे देता है। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया तो जो लोअर है वो रेड हो गया, बार क्या करता है लोअर को छोटा कर देता है ना, ये कलर्स इंडिकेट करता है, कलर से ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है, जितना ज्यादा ग्रीन है उतना ब्राइट। उसके बाद आपके सिंपल में अगर आइकन लगा दे तो सिंपल है, लोअर मिडल अपर, ठीक है, लोअर लोअर मिडल अपर मिडल अपर, आपका दिख गया, लोअर लोअर मिडल मिडल अपर मिडल एंड अपर, ठीक है। तो इस तरह से आइकन से भी आप ये नेटवर्क दे दीजिए, ये भी नेटवर्क से भी शो करेगा, ये दे दीजिए, ये चार्ट इस तरह से बना सकते हैं। हेलो समझ गए, हेलो, तो ये हमारा आइकन स्केल था। आइकन से अब आइकन अब बात करते हैं कि जो भी हमने कंडीशन वर्ड लगाया उसको कस्टमाइज कैसे किया जाए, मतलब कि चेंज कैसे किया। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये लगाया, मुझे इसमें इसको जो है इसमें कुछ चेंजिंग करना है, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और चले जाइए मैनेज टूल पे, मैनेज टूल डेटा बार पे आइए, डबल क्लिक करके ये आपका टाइप, आपका मिनिमम मैक्सिमम दिख रहा है आपको सर, मिनिमम मैक्सिमम ये ऑटोमेटिक है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं लोएस्ट वैल्यू नंबर फॉर्मूला कोई परसेंटेज। जैसे नंबर हो गया कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पे 5000 होगा, 5000 नहीं करते, 3000 कर देता हूँ, 3000 हो और ये आपका नंबर में मैंने इस पे डाल दिया 6000। एंड सॉलिड बार चाहिए या उसका कलर क्या होना चाहिए या फिर ग्रिडन फील जो होता है वो होना चाहिए, ये चीज आप हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फिक्स हो गया सिंपल, 3000 से नीचे वाले पे कुछ डाल ही नहीं रहा है, 3000 से ऊपर वाले पे डाल रहा है और 6000 से ऊपर वाले को फुल कर दे रहा है, समझ गए, ठीक है सर। तो आप कस्टमाइज मतलब कि अपनी कंडीशन अपना रोल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसी भी कंडीशन का जो चेंज कैसे किया जाए, तो एक तो मैनेज टूल से आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, लेकिन अब एक चीज आप एक चीज और नोट कर लें कि जरूरी नहीं है कि एक कॉलम पे हम एक ही कस्ट फॉर्मेटिंग लगाएंगे, हम एक कॉलम पे कई सारे फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो अगर ज्यादा फॉर्मेटिंग मान लीजिए है, मैं एक काम करता हूँ, मैं 500 से नीचे वाले को कलर कर देता हूँ, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया और यहाँ पे मैंने लेस देन 500 कलर हो गया, वो लग गया। अब अगर मैनेज टूल में जाएंगे हम तो हमारे पास एक दो दिखेगा, दो दिखा, तो दोनों का डिलीट करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्लियर फ्रॉम द सिलेक्टेड, मतलब जो सिलेक्टेड कॉलम है उसको क्लियर करना है, या पूरी सीट पे इस सीट वन पे जहां जहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है सबको क्लियर कर, तो सबको क्लियर कर सकते, ठीक है। अब कुछ और कर सकते हैं, चलिए हम करते हैं। मान लीजिए कि हमारा नेम है, हमारी कंपनी में एक इंटरनल ऑडिट हुआ है, एक टेस्ट हुआ है इन ट्रांसफर के लिए, एक नया डिपार्टमेंट खुला है उसमें ट्रांसफर करने के लिए हमने टेस्ट लिए हैं, तो उसका स्कोर यहाँ है, तो स्कोर में का स्कोर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक
तो यहाँ पे हमारे पास अगर लेस देन फॉर इक्वल टू 40 है तो पास होना चाहिए, नहीं फेल होना चाहिए, सॉरी उल्टा कर दिया मैं। हाँ ग्रेटर देन 60 क्या हो गया, ये पास है। 42 60 वाले को हम रीटेस्ट का मौका दे रहे हैं, हमको हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ वो वर्कलोड से उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया होगा, और लेस देन 40 को कहते हैं हम पास, सॉरी फेल, ये फेल है कंफर्म। तो इसमें कुछ ऐसा लगाना चाहिए, तो इसके लिए तो आप लोग इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ ग्रेटर देन लेस देन तो पास फेल, इस तरह से सिस्टम करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं आइकन के जरिए। हमने आइकन सेट में हमने ए आइकन लगा, टिक मार्क मतलब ये पास, एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब कि रीटेस्ट, एंड क्रॉस इट मींस फेल। लेकिन ये मेरे इस कंडीशन अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशन डाली नहीं है, तो कंडीशन डालेंगे कहां पे, मैनेज मैरिज जून, इसको सिलेक्ट करते हैं और परसेंट की जगह पे नंबर, और यहां पे 60 और यहां पे 40, तो 60 से ऊपर में ए आइकन शो करेगा, 60 to 40 के बीच में इसको शो करेगा, लेस देन 40 में ये शो करेगा, देन देन अप्लाई। अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, 3, 2, 1 डाल दिया ताकि पता चले कि आगे कौन सा इंडिकेशन क्या कह रहा है। यहां पे हम लेकिन ये 1, 2, 3 भी दिख रहा है, मैं चाहता हूं इसको ना दिखे, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैरिज रूल में जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहां पे हम कर देंगे शो आइकन ओनली एंड ओके एंड अप्लाई एंड ऑल्सो, ठीक है।